गाइस, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि एलोन मस्क का बर्थ प्लेस साउथ अफ्रीका है, लेकिन एलोन मस्क को बचपन से ही कुछ बड़ा करना था और वो जानते थे कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो किसी भी तरह से उन्हें अमेरिका जाना ही होगा। और वो ये भी जानते थे कि अमेरिका पहुंचने के लिए पहले उन्हें कनाडा जाना होगा, क्योंकि कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री स्कीम के तहत किसी भी देश में एंटर करना आसान हो जाता है। इसीलिए वो 18 साल की उम्र में ही कनाडा पहुंच गए और वहां एक साल तक छोटे मोटे काम करते रहे। उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब एलोन मस्क को मैरिट पर यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से स्कॉलरशिप मिल गई और वो फाइनली अमेरिका में एंटर हो गए और वहां अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की। गाइस, अक्सर हमने सुना है कि भगवान की अदालत में सबका हिसाब होता है, लेकिन अगर वही भगवान खुद अदालत में खड़े हो जाए तो जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तहसीलदार कोर्ट ने भगवान शंकर समेत 10 लोगों को नोटिस जारी किया है और चेतावनी दी है कि सुनवाई में नहीं आने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा और कब्जे वाली जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ की एक महिला ने कोर्ट में याचिका लगाई है जिसमें शिव मंदिर समेत कई लोगों पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि नोटिस में मंदिर के ट्रस्टी, प्रबंधक या पुजारी किसी का भी नाम नहीं है, बल्कि शिव मंदिर यानी कि भगवान शंकर का नाम है। मतलब कि भोलेनाथ पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। गाइस, सोचिए, वो भगवान जो हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं, लोगों ने आज उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया।